आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमने कुछ इस तरह से शूट किया है, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देंगे। इसके बाद वीडियो में आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो आपको वीडियो को एक बार से दो बार प्ले कर देख लेना है आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल मैं सबसे पहले वीडियो को एक से दो बार प्ले कर देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। यदि राइट साइड का पार्ट कुछ एक्स्ट्रा है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। मीडिया पे आना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो के लिंक दे रखे, उस वीडियो को आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा वो आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह से आपको लास्ट में लेकर आ जाना है। आप देख सकते हैं हमारा इसमें कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को भी अभी भी हमें रिमूव करना होगा। सिंपल मैं एक्स्ट्रा पार्ट का कुछ है तो रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद स्टार्टिंग में भी कुछ पार्ट एक्स्ट्रा लग रहा है तो ट्रिम टू लेफ्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमने प्रॉपर यहाँ से रिमूव कर दिया हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं जो वीडियो टिकटॉक पे अपलोड किया गया कुछ इस तरह से अपलोड किया गया हुआ है। तो यहाँ पे आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं सिंपल। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ किस तरह से आपको टाइपिंग करना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसे डन करना है। डन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको फाउंड पे आना है और यहाँ से आपको बोल्ड कर देना है और इसे आपको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ साइड में लगा देना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो ऊपर के पार्ट जो है कुछ आपको खाली रहना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल मैं कुछ इस तरह से मैं आपको एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद डन करता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको बैकग्राउंड में कुछ आपको लगाना है। तो बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, लेयर पर आएंगे, मीडिया पर आएंगे, बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे करना है, और जो भी कलर आपको बैकग्राउंड में लगाना है वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इसे जूम कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रॉप का, इसे आपको सिंपल क्रॉप कर देना है और इसे आपको कुछ इस तरह से भी जूम भी कर सकते हैं। इसके बाद साइड में कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है क्रॉप करने के बाद। इसके बाद फिर जो लेटर है, लेटर पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको फ्रंट सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जो लेटर जो था आपको ऊपर की तरफ आ चुका है। इसके बाद सिंपल इस सब बैकग्राउंड को फुल साइज आपको कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपका देख सकते हैं वीडियो आपको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है सही से। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो ऊपर की पार्ट आपको कुछ खाली रहना चाहिए। इसके बाद जो भी आपको नाम यहाँ पे सर्च करना है, इसके बाद वीडियो को मैं आगे तरफ करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे हम कुछ नाम की इशारा कर रहा था, तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट का आते हैं, यहाँ पर भी टेक्स्ट आपको देना है। सिंपल लेयर पर आना है, टेक्स्ट पर आना है, यहाँ पर जिसका भी नाम लिखना चाह रहा है लिख सकते हैं। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ रियाज। इसके बाद डन करते हैं, इसके बाद फिर से हम इसे यहाँ डन करना है। डन करने के बाद कुछ इस तरह से इसको जूम करना है और यहाँ पर आपको लेकर आ जाना है, ठीक है। इसके बाद इसे डन करते हैं और इसके बाद फिर से इस पर क्लिक करेंगे, इसके लेयर के सामने आ जाएंगे। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, यहाँ पे फिर से हमें बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और एक बैकग्राउंड यहाँ पे कोई भी कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल मैं यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ इस तरह से इसे जूम कर लेना है, ठीक है। आपको साइज आपको एडजस्ट आपको कर देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ क्रॉप पर आना है, सिंपल इसे आपको कुछ इस तरह से क्रॉप कर देना है। इसके बाद डन करना है, इस पर क्लिक करना है, इसके सामने आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद रियाज वाले लेटर पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रंट पे एक सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह से आपको सही से एडजस्ट आपको कर लेना है। लेयर पर आना है, टेक्स्ट पर आना है, मैं यहाँ पर खुद का भी नाम लिख लेता हूँ। इसके बाद डन कर देता हूँ। इसके बाद इसे आपको कुछ इस तरह से नीचे की तरफ एडजस्ट आपको करना है। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। क्रॉप पे आना है, इसे आपको कुछ इस तरह से क्रॉप कर देना है। इसके बाद डन करना है, फिर से क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे,
थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और फ्रंट पे सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका इमेज कुछ ऊपर की तरफ आ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं गन शूट करता हूँ, गन शूट करते ही आपको यहाँ से हटा देना है। तो सबसे पहले हमें रियाज को रिले ट्रिम टू राइट करना है, इसके बाद जैसे आगे की तरफ करते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है बैकग्राउंड जो आपने ब्लैक कलर का सेलेक्ट किए थे उसे भी आपको ट्रिम टू राइट करना होगा। ट्रिम टू राइट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद शैलेंद्र आ गया, शैलेंद्र का आपको कुछ साइड आगे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको ट्रिम टू राइट करना है। तो सिंपल यहाँ पे भी मैं वीडियो क्लियर पे क्लिक करने के बाद ट्रिम टू राइट कर देते हैं। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे सारा बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जीमेल आईडी शो करना है, तो अपने जीमेल इंस्टाग्राम का जो भी आईडी हो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंपल मैं मेंशन कर देता हूँ, इसके बाद कुछ इस तरह से डन कर देना है। और इसके बाद जो भी कलर आपको चाहिए कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, इसको लास्ट पॉइंट तक रहने देना है। और ऊपर में जो यहाँ पे लिख रहा है माई टिकटॉक स्टार, तो इसे पहले हमसे पहले फुल साइज में कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे माई टिकटॉक को स्टार मी करना है, तो इसे हम सबसे पहले फुल कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर नाम आया तो यहाँ पे आपको मी लिख देना है। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको मी लिख देना है और यहाँ पे तीन चार आपको डॉट दे देना है। और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है ट्रिम टू राइट कर देना है, सेटिंग पे आना है, आईडो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है।